उत्तर प्रदेश में भाजपा नियम और कायदों को लेकर लंबे चौड़े भाषण दे रही है, मगर भाजपा के नेता और मंत्री ही सरकार के इन भाषणों को पलीता लगा रहे हैं। ताजा मामला संभल जिले में सामने आया है, जहां भाजपा के मंत्री भूपेंद्र सिंह और बीजेपी के जिला अध्यक्ष के सामने ही चुनाव आचार संहिता के नियमों को ताक पर रखकर वोटरों को लुभाने के लिए दावत का इंतजाम किया गया था। सम्मेलन में भाजपा के कई बड़े बड़े नेता मौजूद थे। भाजपा पंचायत राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह भी कार्यक्रम में पहुंचे और बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया एवं निकाय चुनाव में बीजेपी को वोट देने की बात कही। यहां वोटरों और कार्यकर्ताओं को लुभाने के लिए शानदार दावत का इंतजाम किया गया था तथा चुनाव आचार संहिता के नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाई गयी। प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह के सामने ही पूनम सांखेदर के प्रचार के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया और इसी की आड़ में कार्यकर्ताओं को खुश करने के शानदार दावत का आयोजन हुआ। हर प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का कार्यकर्ताओं ने जमकर लुत्फ उठाया। दावत देना कोई अपराध नहीं है, लेकिन चुनावों में आचार संहिता के दौरान इस प्रकार का आयोजन करना कहां तक उचित है, ये सवाल जनता कर रही है। संभल के लोगों का कहना है कि प्रदेश में सरकार के बल पर भाजपा प्रत्याशी पूनम सांखेदर के प्रचार के लिए पूरा तामझाम रचा गया था। भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, उन्होंने दावत का लुत्फ उठाया। स्टॉल पर खाने पीने की तमाम सामानों के साथ मुंह मीठा करने के भी पूरी व्यवस्था की गई थी। बैंकेट हॉल में मैदान में बाकायदा खाने के लिए सफेद मेज पोस्ट टेबल डालकर वहां पर कार्यकर्ताओं को दावत दी गई थी। इस दावत के बाद एक और जहां कार्यकर्ता उंगलियां चाटते रह गए, वहीं निर्वाचन आयोग चुप्पी साधे रहा है। माननीय मंत्री जी किसी की शादी में या किसी और फंक्शन में आ सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। जो आप बता रहे हैं उसमें यही दिख रहा है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत किए हैं, तो कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने में इसमें कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। और प्लस जो है किसी और फंक्शन में जाने में, जो बेदगर किसी की शादी का फंक्शन हो या कोई और भी उस टाइप जो चुनाव संबंधित ना हो, तो उसमें कोई खाना वाना खाए या कुछ करे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सदर नगर पालिका संभल से बीजेपी की चेयरमैन प्रत्याशी पूनम सांखेदर के कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रशासन की अनुमति के बिना ही कार्यकर्ताओं को एकत्र किया गया और इस बारे में जब एसडीएम संभल से पूछा गया तो उन्होंने इस कार्यक्रम को शादी के कार्यक्रम में बदल दिया। बहाना तो सही बना लेते हैं एसडीएम साहब, लेकिन शायद इन्हें ये पता नहीं कि शादी के समारोह में बीजेपी का चुनाव प्रचार नहीं किया जाता, पार्टी के लंबे लंबे भाषण नहीं दिए जाते। जब परमिशन की बात एसडीएम साहब से पूछी गई तो एसडीएम साहब हमारे सवालों में फंसते नजर आए और कार्यकर्ता सम्मेलन की परमिशन नहीं लेने की बात के साथ साथ जांच की भी बात कही। उत्तर प्रदेश में आचार संहिता का उल्लंघन अक्सर देखा जाता है। मामला ये भी है कि प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई करता है या नहीं। संभल से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।